नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से आज हम चर्चा करते हैं हिप के अराउंड आर्थरोस्कोपी के बारे में आर्थरोस्कोपी जैसा बहुत लोग आप आप लोग जागरूक हैं कि आर्थरोस्कोपी क्या होती है कि दूरबीन द्वारा ज्वाइंट्स की सर्जरी नी में शोल्डर में तो आपने सुना ही होगा पर बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हिप में भी आर्थोस्कोपी संभव है किन कारणों में हम आर्थोस्कोपी करा सकते हैं और क्या इस दूरबीन की तकनीक को हम हमारे हिप पेन में भी यूज़ करके हम जल्दी सही हो सकते हैं तो इसी चर्चा पे इस विषय में बात करते हैं और आगे इस वीडियो को लेके जाते हैं यूजली हिप जॉइंट मीन्स कूले का जोड़ कूले का जोड़ जो आपका मैक्सिमम मूवेबल ज्वाइंट है शोल्डर के बाद उस पर मैक्सिमम मूवमेंट होता है और आप जिससे चलते फिरते हैं कई 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 इंडिकेशंस हैं जब हिप में तकलीफें होती हैं जिसमें सफलता रूप से आर्थ्रोस्कोपी की जा सकती है पहले मैं घुटने हिप की संरचना के बारे में आपको बताना चाहूँगा हिप जॉइंट जो है एक पेल्विस मतलब कमर की हड्डी और ये थाई की हड्डी इन दोनों के बीच का एक जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट होता है मीन्स फीमर के जो हेड को एक बॉल की तरह है और सॉकेट एक गड्ढा जिसे एस्टेबुलम कहता है वो पेल्विस में इसके मूवमेंट पे हिप का मूवमेंट होता है आगे पीछे द, एबडक्शन अडक्शन एंड रोटेशन इन सब मूवमेंट्स में हिप मूव करता है कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें हिप में दिक्कतें होती हैं सबसे कॉमन है अर्ली स्टेज में हिप पेन अर्ली स्टेज मीन्स ट्वेंटीज थर्टीज़ या फोटीज़ में अगर हिप पेन हो रहा है और उसको आपको डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने इसको डायग्नोज़ किया कि अर्ली आर्थरेटिस स्टार्ट हो रहा है ड्यू टू योर एनाटमिकल वेरियंट क्या होता है एक होता है एनाटमिकल प्राइमरी ऑस्टोआर्थराइटिस जो हिप इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं आपने शोल्डर इम्पिजमेंट सुना होगा एक हिप में भी इम्पिंजमेंट होता है मींस इम्पिंज मतलब कोई चीज़ चुभ रही है ऐसा क्यों होता है जब जो ये एस्टेबुलम का लिप है अगर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इसे पिंसर टाइप कहते हैं या या जो ये नेक और हेड का जो जंक्शन है जो यूजुअली हेड बड़ा होता है नेक छोटा होता है अगर इस पे एक बाउट बना हुआ है हड्डी थोड़ी बड़ी हुई है जिसे कैम टाइप कहते हैं ऐसे ऐसे कारण में ऐसे एनाटमिकल वेरिएंट में जब भी आप हिप का एबडक्शन करते हैं जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं हिप को साइड से उठाते हैं तो ये हड्डी या तो नेक को दबाएगी या नेक की हड्डी एस्टेब्लम को दबाएगी ऐसे टाइम पे ये ओवरऑल कैप्सूल को इरोड करना चालू कर देती है और कैप्सूल को इरोड करने के कारण आपको तकलीफ देने लग जाती है इस इस इन सब तकलीफ में आपको क्या होता है हिप का पेन चालू होगा हिप का पेन होगा वो हिप तक रहेगा या घुटने तक भी रेडिएट करेगा एम में डाइग्नोज हो जाता है इस तरह जो इंडिकेशन है इस इंडिकेशन में आप आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं हिप आर्थ्रोस्कोपी में दूरबीन की सहायता से जो हड्डी बन गई है थोड़ी सी बढ़ गई है उसको शेव ऑफ़ किया जाता है उस शेव ऑफ से उसका जो मैकेनिकल डिफॉल्ट जो खराबी है वो ठीक हो जाती है और आप उस डिजीज से बच जाते हैं जो प्रोग्रेस हो सकती है तो अर्ली डायग्नोसिस इसका बहुत महत्वपूर्ण की है और अर्ली मैनेजमेंट आर्थोरिस्कोपी से बहुत सफलतम रूप से हो सकता है हिप आर्थोरस्कोपी ऑल दो बहुत कम सेंटर्स पे होती है पर जहाँ भी उपलब्ध है उन सेंटर्स पे इसकी तकनीक से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है अदर कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें ये हिप आर्थरस्कोपी हेल्पफुल है जैसे साइनोवल कॉन्ट्रोमेटोसिस एक साइनोवियम का एक ट्यूमर होता है जैसे साइनोवल कॉन्ट्रोमेटोसिस जिसमें सूजन आ जाती है उसमें भी लूज़ बॉडीज बन जाती हैं जॉइंट में उसको भी हिप की आर्थ्रोस्कोपी से ठीक किया जा सकता है उसके जो हिप साइनोवियम बढ़ गई है उसमें टिश्यूज़ लूज बॉडी बन गई उनको निकाला जा सकता है अदर इंडिकेशन है हिप में कोई फ्रैक्चर हुआ हिप पे कोई चोट लगी और कोई छोटा सा टुकड़ा हिप का हिप जॉइंट के बीच में आ गया ऐसे में मूलतः जॉइंट के अगर बीच में कोई भी सद, टुकड़ा आ जाता है तो जॉइंट को बहुत इरोड करता है पेन करता है तो यूजुअली उसको हटाना आवश्यक है बट हटाने की दो ही दो ही तरीके हैं या तो ओपन करके हटाएं या दूरबीन से हटाएं तो ऐसे इंडिकेशन में भी दूरबीन से सफलता रूप उसे हटाया जा सकता है अदर इंडिकेशन है इन्फेक्शन जिसमें हमें बायोप्सी लेनी है इन्फेक्शन साफ़ करना है जैसे हिप हिप का कोई भी अंदर के एप्सेस बन गया है आर्थराइटिस के इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हो गया है जब हिप में इन्फेक्शन हो गया सूजन आ गई ऐसे में दो कारण दो चीज़ें हैं हमें हिप की सफाई भी करनी है और उसकी बायोप्सी भी लेनी है ये देखने के लिए किसका इन्फेक्शन है कहीं इसमें ट्यूमर चेंजेस तो नहीं है इन सबको देखने के लिए तो यूजुअली इसकी ओपन सर्जरी होती है जिसे आर्थरोटमी कहते हैं बट सफलता रूप पूर्वक इस ज्वाइंट की आर्थरी उसको पीछे दूरबीन से भी सफाई करना संभव है उस पस को ड्रेन किया जा सकता है और उसका बायोप्सी और कल्चर दोनों चीजें उससे संभव है तो इन इन कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डायग्नोसिस में आप हिप की आर्थोस्कोपी कर करवा सकते हैं और वो बहुत सफल है बहुत मिनिमल इन्वेजिव है हम लोग रूटीनली हमारे यहाँ इस्पोर्ट्स सेंटर नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में हम करते हैं और फास्ट रिकवरी के कारण ये चीज़ पेन फ्री होती है तो हिप आर्थोस्कोपी एक डेवलपिंग साइंस है हमारी आर्थोस्कोपीज में और इस बारे में आप लोगों को जागरूक करके मुझे बहुत अच्छा लगा